नमस्कार दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सभी का फिल्मी सफर में। मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, ये वो अभिनेता जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्म दी। लेकिन 100 करोड़ फिल्मों का रिकॉर्ड जो सबसे पहले रहा वो मिथुन चक्रवर्ती का, जो कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बता दिया है। लेकिन हम बात करेंगे आज इस वीडियो में उन अभिनेताओं की जो अब के समय में, यानी कि जो मिथुन चक्रवर्ती ने जवानी में कर दिया 100 करोड़ का रिकॉर्ड बनाकर, वो अब आज के जनरेशन में, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं भाई साहब, 55-55 साल की उम्र हो चुकी है, 40-50, 55-60, 80 ऐसी उम्र में 100 करोड़ फिल्म दे रहे हैं। और मिथुन चक्रवर्ती ने 1982 में ही पहला रिकॉर्ड, सबसे पहला रिकॉर्ड यार, बॉलीवुड ही नहीं पूरे इंडस्ट्री के लिए, जितनी फिल्म दुनिया है उन सभी के लिए मिथुन चक्रवर्ती की यह फिल्म 100 करोड़ फिल्म बनी थी। और यह रिकॉर्ड आज तो आम बात है, लेकिन पहला रिकॉर्ड 80 के दशक में 100 करोड़ पार करना, वो सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती के ही नाम रहेगा। चलिए जानते हैं वो अभिनेता कौन कौन से हैं जो अब बुढ़ाई दांव, यानी कि बुढ़ापे होने के बाद 100 करोड़ फिल्म दे रहे हैं। हालांकि कुछ तो आप तो पता भी होगा और आप कमेंट में बता भी दोगे, लेकिन इस लिस्ट में नाम जोड़ेंगे पहले अनिल कपूर साहब का। अनिल कपूर साहब की जुग जुग जियो, जिन्होंने पहली बार इस फिल्म यानी कि 100 करोड़ फिल्म से पहली बार क्लब में एंट्री मारी। इतनी सारी फिल्में की, लेकिन जुग जुग जियो पहली बार अनिल कपूर की ऐसी फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ रुपए का क्लब पार किया था। संजय दत्त, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भी कैरियर के लंबे पड़ाव के बाद अग्निपथ, सन ऑफ सरदार और KGF 2 जैसी फिल्मों के साथ 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हुए, जो कि एक काफ़ी एजेड पाद फिल्म आई। अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन ने पहली 100 करोड़ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान दी थी, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन इसके बाद एक्टर को दूसरी 100 करोड़ फिल्म ब्रह्मास्त्र मिली। हालांकि यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, बस कमाई ही तगड़ी रही। इस लिस्ट में रजनीकांत का भी नाम शामिल है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के नाम यूं तो कई 100 करोड़ फिल्में हैं, मगर एक्टर ने ये फिल्म लंबा करियर बिताने के बाद हासिल की है। हिंदी में एक्टर ने सिर्फ एक बार ही 100 करोड़ फिल्म दी है, ये मूवी 2.0 थी, रोबो 2.0, जिसमें अक्षय कुमार भी नजर आए थे। इस फिल्म ने हिंदी में ही 189 करोड़ रुपए कमा लिए थे। सनी देओल की इस समय गदर 2 ट्रेंडिंग में है, और सनी देओल की इस फिल्म ने पहला वीकेंड बीतते बीतते ही 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया, तो सनी पाजी के लिए भी एक बड़ी बात है। लेकिन इन सभी के मुकाबले मिथुन चक्रवर्ती को देखा जाए तो उन्होंने अपने शुरुआती करियर में ही 100 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, और ये एक्टर तो अब यानी कि इतने एजेड हो चुके हैं तब जाकर 100 करोड़ फिल्म बन रही है। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती की एक और फिल्म जो कि 100 करोड़ की लिस्ट में शामिल होती है, द कश्मीर फाइल। 2022 में द कश्मीर फाइल सबसे बड़ी फिल्म बनी थी, बहुत ही कम बजट की फिल्म थी, 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया और लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए की कमाई इस फिल्म ने की थी। तो ये है मिथुन चक्रवर्ती के अलावा जिन्होंने बुढ़ापे में 100 करोड़ फिल्मों को अपने नाम किया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने जवानी में ही यह कारनामा करके बॉलीवुड वालों को दिखा दिया था। प्रतिक्रिया आपकी हम कमेंट में देखेंगे।